जब ईश्वर चर्च को छोड़कर चले जाएंगे। अरे तुम कहाँ थी बच्ची? बस छोटा सा काम था फादर। वैसे तुम्हें सभा परिवर्तन में तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए, तुम आजकल चर्च में नहीं दिखाई दे रही हो। सही कहा, मुझे वहाँ आए हुए काफी वक्त हो गया। आखिरी बार दुआ प्रेयर में आई थी, देखा जाए तो अनबू भाई की प्रार्थना के समय और पिछले रविवार की प्रार्थना के दिन। वैसे काफी लोगों को याद भी करना पड़ता है ना। तो फिर वहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? उस दिन का दर्द अभी तक नहीं गया है फादर, उस बात को लेकर हम आज तक झेल रहे हैं। तकरीबन 2-3 जगह ऐसा हुआ है। अरे डरपोक है वो लोग, मरने के लिए उतर गए लेकिन उन्होंने कदम पीछे हटा लिया ना, डर कर भाग गए, देखा तुमने? 100 साल पहले जो मर गए उन्हें याद करके हम सबको साथ मिलकर प्रेयर करनी चाहिए। करनी चाहिए? जब हमने बंटवारा किया था तो वो प्रक्रिया करने का हक हमें मिल गया था, तब उन लोगों ने उत्तम पट्टी में कब्रिस्तान बनाया था, मरे हुए लोगों को वहाँ दफनाने नहीं दिया गया था। आखिर में पुलिस वालों ने आकर दोनों पार्टियों को अलग करके प्रेयर करने दी। अभी वैलिन वर्गीस को श्रद्धांजलि देनी है तो पार्टी के अलग अलग दो भाग कर दो, प्रार्थना के लिए आसानी होगी। पिछली बार लाश को ले जाते समय मारपीट होगी ऐसा मुझे लग रहा था, पर किस्मत से ऐसा नहीं हुआ। वैसे हम लोग चर्च जाएं या ना जाएं, पर आपस में ना लड़े मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। उनके आने से हम लोगों को प्रार्थना करने में मुश्किल होती है। उनका हक है, इस बात पर ध्यान दो। वैसे इनको पहचाना नहीं? ये मेरा पुराना शिष्य है प्रदीप। अच्छा, हमारी बिरादरी का है क्या? वैसे आजकल नाम से किसी को नहीं पहचान पाते। 7 साल पहले हमारे विलियम के बेटे का नाम अर्जुन था, अर्जुन्ना कुरियप्पन। ये सब जानने के बाद ही हम आपस में बात करते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रदीप सर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह कितनी होती है? फिर भी वो एक तनख्वाह, एक चिल्लर है। सबको अपनी बातों में उलझाइए मत, इवन सभा के मामले में भी। किसी तरह से भी देखेंगे तो कुछ लोग धोखा देने वाले हैं और कुछ लोग अन्याय को बढ़ावा देने वाले हैं, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे दबाव डालकर राज करना उचित नहीं है। खैर जाने दीजिए, मैं जो बात बोल रहा था मैं फिर से पढ़ता हूँ। सभा चरित्रम, चर्च हिस्ट्री, आगे होने वाला है खेल। हेलो, हाँ मैं अलेक्जेंडर सर के घर पे आया हूँ। नहीं उस बारे में नहीं। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ छोटी माँ है, उनका छोटा बेटा बीमार है, डॉक्टर से मिलने जाना है। वैसे वो आदमी चर्च का सेक्रेटरी भी है, उनके पास औरतें बहुत हैं लेकिन हमारी बिरादरी के नहीं, बहुत स्ट्रांग है। सर मैं अभी निकल रहा हूँ, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। तो फिर हम थोड़ा प्रार्थना करके निकलते हैं। पिता विन्नम पुत्रं परिशुद्धाय किं स्तुति തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനായ ബലവാനായ ദൈവൻ തമ്പുരാൻ, പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ, ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे आपको क्या हो गया दादी माँ? मेरी बेटी तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। दादी माँ फिलहाल के लिए ये आप अपने पास रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं आपसे ले लूंगी। अरे बाप रे, दादाजी के कमरे में मोमबत्ती जलाई? मैंने लाकर रख दिया है, बस जलाना बाकी है। ठीक है फिर आप वहां जाइए। वहां करंट चला गया क्या दादाजी?
हेलो, अभी पहुंचे? वैसे तुम फ्री हो ना? वैसे वहां कोई माइक्रोमीटर तो नहीं है ना? मैं ऐसा पूछने वाली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि हमारी आंखों में रोशनी है वो हमारे शरीर के सारे अंग में होती तो। तुम्हारा मतलब? अरे मेरा मतलब है कि जब हम अपने आंखों से नहीं देख पाते तो हमारे शरीर के अंग से जिससे देखना चाहते हैं और जिससे नहीं देखना चाहते हैं ऐसा कर पाते हैं ना। उसी तरह हमारे कान से जो हम सुनना नहीं चाहते वो सुने, तो अगर हम ऐसा कर सकते तो कितना अच्छा होता। उसके लिए भगवान ने हमें हाथ दिए हैं। अगर शरीर के बाकी अंगों को बढ़ावा देंगे तो हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी, जैसे कंप्यूटर चिप, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में होता है। फिर हम भी ज्यादा लालच करते हैं बेटा दिनेश, ज्यादा लालच करते हैं। मैं इस तरह के परिणाम की उम्मीद करता हूँ। फ्रॉम इट टू मैन, अगर ऐसा हो जाता तो मैन से सुपरमैन या फिर मैन टू गॉड मैन। एनीवे लेट बी ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ करंट भी नहीं आ रहा, परेशान हूँ। उसके अलावा मुझे गुस्सा भी आ रहा है। हमारा जो गुस्सा है वो अभी किसी और के हाथों में है ना? हमारी विचारधारा को कंट्रोल करने वाला अभी उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथों में है ना? वैसे हमें गुस्सा क्यों आता है दूसरे पर जो उम्मीद रखते हैं? शुरू हो गया, मैं जो भी बात करती हूँ उसका मतलब ढूंढते रहते हो। अगर ऐसे ही रहा तो आगे चलकर क्या होगा? डोंट बी सीरियस। हमारे कल्चर के मुताबिक करंट जाने पर हम आमतौर पर गुस्सा ही होते हैं। पावर कट अभी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। अगर हम इस बारे में बात करते रहेंगे तो लोग हमें उस समस्या का हिस्सा बनाकर दूर हटा देंगे। समस्या सिर्फ मिसमैनेजमेंट की है, इसके अलावा प्रोफेशनल मुद्दे पर भी बोला जाएगा। पर्सनल मैनेजमेंट ना करने की वजह यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक हिसाब से बोला जाए तो जन जनार्दन की पॉलिसी। वो छोड़ो, तुम घर कब पहुँचे? पुनीत भाई ने मुझे यहाँ तक अपनी गाड़ी में ड्रॉप किया था, एक वेटिंग भी है। कुछ भी कहो ये अप्रिशिएट की बात है। बेटी दादाजी बुला रहे। मैं आती हूँ। ठीक है, दादाजी बुला रहे, मैं बाद में बात करती। नहीं, मैं खुद फोन करूंगा। ठीक है, ओके, बाद में फोन करना। ओके बाय, गुड नाइट। बेटा। दादाजी आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंधेरा हो गया है ना, आगे का दरवाजा बंद कर दिया क्या? सब बंद कर दिया मैंने। इस वक्त किसने फोन किया था? अरे प्रदीप था, करंट आ गया। प्रदीप था, मैं बहुत देर से बात कर रही थी, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। उस फोन कंपनी वाले को फंड दिया है ना? आजकल के नौजवान फोन कंपनी की अर्थव्यवस्था हैं। ये आजकल के नौजवान, ये लोग बिना कंट्रोल के ही बातें किए जाते हैं। दादाजी आपको बहुत नॉलेज है, वैसे आप कविता लिख ही रहे हैं, लेकिन किसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमें फोन पे बात तो करनी पड़ती है ना? फिर भी ऐसा हो जाता है, जैसे उनसे बात करती हूँ ऐसे किसी और से बात नहीं करती। नॉट बिकॉज ऑफ वो मेरा पसंदीदा है, ऐसा बोलेंगे तो हिपोक्रेसी हो जाती है, बट आई कांट अफोर्ड इट। वो प्यार के नाम के लेक्चर भी दे रहा है, सब पैसे का खेल है। सच है, आई मोनेटाइज कॉस्टली अफेयर। बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें हमेशा मेरी बधाई हो, तुम हर दर्द को खुशी से सह लेती हो। त्रिवांगुर के लोगों में एक मानसिकता की बीमारी है, दर्द के मौके को भी खुशी में बदल लेते हैं। शांति की किताबें मैंने ज्यादातर पढ़ी हैं, लेकिन ये सब भौतिक जिंदगी का जीने का एक सहारा है। किसी ने लिखा है कन्वर्ट टू प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऐसा ही दुख का मौका बदल लेना भी एक जज्बा है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। बना रहेगा इसका मतलब पैसे को लेकर या फिर आशीर्वाद को लेकर?